हेलो गाइस, आपका स्वागत है रणबीर आईए सर्कल में। तो आज हम डिस्कस करेंगे फैक्ट्स जो आपके प्रीलिम्स 2020 में काम आएंगे। तो हमारी ये स्ट्रेटजी रहेगी कि रोज 10 to 11 हम फैक्ट डिस्कस करें, ताकि हमारे जो 100 डेज में अराउंड 1000 to 1100 हमारे कवर अप हो जाएं, ठीक है ना। तो आपको ये बता दूं कि ये इनसाइड्स के सारा ये मटेरियल है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो पहला हम देखते हैं पॉइंट, जो इंडिया की इलेक्ट्रीफाइड रेल टनल है, ये आंध्र प्रदेश में बनी है। तो ये इंडिया की सबसे बड़ी है। तो ये चेरलोपाली और रोपुरू को जोड़ रही है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता दूँ, ये 6.7 किलोमीटर लॉन्ग है एंड अराउंड 437 किलोमीटर की लागत से ये जो रेल टनल बनाई जाएगी। तो आगे है पोषण माह। पोषण माह के बारे में बता दूँ, पोषण माह को हम नेशनल न्यूट्रिशन मंथ से भी जानते हैं। तो ये कब होता है, ये सितंबर में मनाया जाता है। तो ये किसका इनिशिएटिव है, ये WCD वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा एंड नीति आयोग के द्वारा ये स्टार्ट इनिशिएटिव लिया गया। तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव इसका साफ है कि जो मैसेज है पोषण का, इसको घर घर पहुंचाया जाए, ठीक है ना। उसके बाद प्रोजेक्ट रीप्लान। तो रीप्लान की फुल फॉर्म बता देता हूँ, रीप्लान की फुल फॉर्म रिड्यूसिंग प्लास्टिक इन नेचर, ठीक है ना, रिड्यूसिंग प्लास्टिक इन नेचर। तो इसमें यह क्या कि कैरी बैग्स बनाए जाएंगे। तो अगर हम 100% इम्प्रॉपर परसेंटेज की बात करें, तो उसमें 20% होएगा वो प्लास्टिक होएगा एंड बाकी का 80% जो वेस्ट कॉटन रैग्स हैं उसको ये यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो ये कैरी बैग्स के बनाने में काम आएगा। तो ये तो प्रोसेस करके बनाएंगे, तो वही 80% जो जो अब कई यू नो कॉटन इंडस्ट्रीज हैं उनमें जो रैग्स बच जाते हैं, तो उसकी मदद से ये बनाया जाएगा। 80% वो इस्तेमाल करेंगे एंड बाकी 20% प्लास्टिक होएगा, ठीक है ना। तो इससे ये क्या कि जो अब हमारा जो पॉल्यूशन है, जो प्लास्टिक पॉल्यूशन जो है, जो इंक्रीज हो रहा है डेली लाइफ में, तो वो कम होएगा। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है NCPCR। तो NCPCR ये चाइल्ड राइट्स के बारे में बताया गया कि ये 2007 में सेटअप किया गया था, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ठीक है, NCPCR। तो किसके तहत, ये NCPCR एक्ट जो 2005 में आया था, ठीक है ना। तो 2005 में एक्ट आया था, उसके तहत ये NCPCR 2007 में बनाया गया। तो वहीं किसके अंडर होएगा, ऑब्वियस बात है कि ये WCD वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंडर होएगा। तो इनके द्वारा जो चाइल्ड की डेफिनेशन वो क्या है कि जो 0 to 18, ठीक है, साल के जो बच्चे हैं उनको एज अ चाइल्ड ये बता रहे हैं कि वो एज अ चाइल्ड माना जाएगा, तो जिसको हम नाबालिग कहते हैं, ठीक है ना। तो इसके तहत अगर कुछ भी इनके ऊपर यू नो सेक्सुअल हरासमेंट या किसी भी तरीके का यू नो आरोप ये अगर लगाएंगे तो ये पॉस्को एक्ट के अंडर आएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद हमारा अपीडा APEDA। तो ये क्या कि एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये हाल ही में यू नो दे हैव रिप्लेस्ड PFEPC। तो PFEPC है क्या, तो ये इसकी फुल फॉर्म बता देता हूँ कि ये प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल थी। तो उन्होंने अब उसका चेंज करके नाम अथॉरिटी के नाम रख दिया कि प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है, उनकी एक्सपोर्ट्स को ये देखेंगे, देख रेख करेंगे, इनको मैनेज करेंगे, ठीक है ना। कौन कौन से एक बार देख लेते हैं, फ्रूट्स हो गया, मीट हो गया, पोल्ट्री डेयरी, तो बिस्किट्स हो गया, हनी, तो अल्कोहलिक हो गया, जितने भी सीरियल्स हैं, ग्राउंड नट्स हो गया, मूंगफली हो गई, ठीक है, पीनट्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, तो पिकल्स हो गए, ठीक है, चार हो गया, पापड़ हो गया, तो फ्लोरिकल्चर हो गया, हर्बल। तो ये जितने भी पॉइंट्स दिए हैं इन पे अब निगाह रखेगा ये अथॉरिटी, जो अपीडा एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं बाल बसेरा। बाल बसेरा एक्चुअली ये क्या कि जो एम्स ऋषिकेश में अब एम्स हॉस्पिटल बड़ा बन रहा है, तो जो उन वर्कर्स हैं, उन वर्कर्स के छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको यू नो प्रॉपर न्यूट्रिशन, उनको उनकी देखभाल के लिए बाल बसेरा बनाया गया। तो यू नो इट इज सपोर्टेड बाय सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट CPWD, ठीक है। तो ये एम्स ऋषिकेश में जो एम्स हॉस्पिटल बन रहा है, तो जो वर्कर्स हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, उनके बच्चों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा मदद साबित होएगा। तो और एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये बता दूं कि ये यू नो एक वुमेन्स एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है, ऑफिसर वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, तो उनकी ये पहल ये की गई है, ठीक है ना। उसके बाद रिवराइन मल्टी मॉडल टर्मिनल, तो ये सेकेंड MMT है। तो ये कंस्ट्रक्टेड ऑन नेशनल वाटरवे 1, जो रिवर गंगा है। तो ये किसके अंडर आएगी, ये अंडर जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट के अंडर आएगी, विच इज़ ऑब्वियसली एडेड बाय वर्ल्ड बैंक, ठीक है ना। तो जो फर्स्ट मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट था हमारा, तो इट वॉज वाराणसी ओवर रिवर गंगा, ठीक है। तो पहला था वाराणसी वाला, तो अब ये है ये नेशनल वाटरवे 1 जो है
उस पर बनेगा। तो नेशनल वाटरवे वन बता देता हूँ ये एक्चुअली किस किस रिवर को घेरती है, इट इज गंगा, भागीरथी एंड हुगली रिवर, ठीक है ना, गंगा, भागीरथी एंड हुगली रिवर, तो ये नेशनल वाटरवे वन है। तो इट इज़ फ्रॉम, ये सिस्टम कहाँ से, फ्रॉम, इट इज़ फ्रॉम अलाहाबाद टू हल्दिया, ठीक है ना, इट इज़ फ्रॉम अलाहाबाद टू हल्दिया, तो इतना याद रखना है। फिर से बता देता हूँ जो ये नेशनल वाटरवे वन है ये कौन सा सिस्टम, रिवर सिस्टम है, ये गंगा, भागीरथी एंड एंड हुगली, ठीक है ना, गंगा, भागीरथी एंड हुगली रिवर है। तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, फ्रॉम अलाहाबाद टू हल्दिया, ठीक है। तो ये सिस्टम कहाँ से पास होता है ये देख लेते हैं, ये एक पासिस थ्रू यूपी, ठीक है, यूपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है ना, तो झारखंड हो गया वेस्ट बंगाल, फिर से देख लेते हैं कहाँ से पास होता है, यूपी, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद आता है जीवन कौशल, जीवन कौशल ये क्या है, इट इज़ डिजाइन बाय यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। तो इसमें क्या है कि जो यू नो नवे नवे बच्चे हैं आजकल फील्ड में आ रहे हैं तो उनको नॉलेज, स्किल, ऐसे कुछ टैलेंट से यू नो हेल्प करेंगे ताकि वो कुछ नया कर सकें, ठीक है, अपने इंडिया की जो इकोनॉमी में अपना योगदान दे सकें। तो ऑब्जेक्टिव साफ है, टू स्ट्रेंथन द नॉलेज स्किल्स एंड टू एम्पावर द टैलेंट इनहेरेंट इन ईच लर्नर, ठीक है ना। तो इसमें इतना ही था। तो आगे है जलदूत एग्जीबिशन, जलदूत एग्जीबिशन ये है जो इट इज़ अ ट्रैवलिंग एग्जीबिशन, जल शक्ति अभियान। तो जल शक्ति अभियान के बारे में थोड़ा बताया, तो इट वाज यू नो इट फोकस ऑन जो 1952 अराउंड यू नो वाटर स्ट्रेस ब्लॉक्स हैं, ठीक है ना, ड्राई एरियाज में, फिर से बता दो 1500 स्ट्रेस ब्लॉक्स हैं एंड यू नो ऐसे कह लो कि कुछ टैंक्स हो जो बिल्कुल खाली पड़े हैं, तो वाटर स्कार्सिटी वहाँ देखने को मिलती है। तो ये अराउंड 250 डिस्ट्रिक्ट्स के में अगर मैं बात करूँ तो 250 डिस्ट्रिक्ट्स में अराउंड 1600 के करीब, 1500-1600 के करीब वाटर स्ट्रेस ब्लॉक्स हैं, उनको ठीक करना, ठीक है, उनको रिपेयर करना, उनमें पानी से मतलब भरपूर मात्रा में लेके आना, उसको कंट्रोल में करना, ये जल शक्ति अभियान का ये काम है। तो इसकी एग्जीबिशन लाई गई है, तो ठीक है, तो ये ट्रैवलिंग एग्जीबिशन है, ये याद रखना, ट्रैवलिंग एग्जीबिशन ऑफ जल शक्ति अभियान, जो जलदूत एग्जीबिशन है। तो ये किसके अंडर है, इट इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, तो ये भी याद रखना, तो ये किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो इट दिस कैंपेन विल रन थ्रू सिटीजन पार्टनरशिप पार्टिसिपेशन ड्यूरिंग मानसून सीजन, ठीक है। तो मानसून सीजन में जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है इसका कंसेप्ट काफ़ी अच्छी तरह यूज होना चाहिए, यू नो वाटर को सेव करके रखना चाहिए, तो ये ब्लॉक्स को साफ सफाई की जाएगी इन ताकि में वाटर स्टोर हो पाए। तो जब पानी की किल्लत हो, जब अब हमें पानी वाटर स्कार्सिटी हो, तो हम वहाँ पर पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगला है जो वेब समिट, तो वेब समिट के बारे में बता दूँ, वेब समिट एक्चुअली है क्या, तो इट वॉज जॉइंटली ऑर्गेनाइज बाय ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड इंस्टीट्यूट ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है ना, IIWM, ठीक है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। तो इसमें है क्या कि इसमें एम क्या है कि जो वुमेन को एम्पावर करना, ठीक है, ताकि इनकम जनरेशन हो सके, ठीक है ना। फिर से बता दूं तो ये कहाँ, थीम क्या, मेक योर ओन बैग, तो एक्चुअली ये वुमेन एम्पावरमेंट के साथ रिलेटेड, टॉपिक के साथ रिलेटेड है। तो इसमें क्या कि वुमेन को ताकि उनकी इनकम बढ़ा, इनके इनकम बढ़ सके, तो घर घर में जाके ये यू नो एक ऐसा इनिशिएटिव लाया गया है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड इंस्टीट्यूट ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट के द्वारा, ताकि यू नो वुमेन को एम्पावर कर सके। तो ये समिट हुई कहाँ थी, ये याद रखना, ये जयपुर में हुई थी, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के 10 जो हमने फैक्ट्स याद करने थे, इसको अच्छी तरह रिवाइज कर लेना, दोबारा देख लेना। इसके बाद हम देखते हैं, एक हर रोज एक आदि वेलफेयर स्कीम जरूर पढ़े करेंगे। तो हमारी इस टाइम वेलफेयर स्कीम के बारे में बात करेंगे, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना PMUY, ये काफ़ी चर्चा में रही है। रीजन वाई कुछ रूरल एरियाज में एक्चुअली क्या हो रहा है कि अभी भी ना यू नो चूल्हा, यू नो प्रॉपर चूल्हा दे यूज प्रॉपर चूल्हा, तो उस चूल्हे को यूज़ करते करते यू नो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं कई लेडीज़ में, इवन यंग गर्ल्स के यू नो काफ़ी ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिल रही हैं। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इट वाज इंप्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये याद रखना, इट वॉज इंप्लीमेंटेड बाय पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है। तो इसका एम क्या, टू प्रोवाइड LPG कनेक्शन, ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG कनेक्शन प्रोवाइड करना पूर हाउस होल्ड्स में, ठीक है, जहाँ पर चूल्हा यूज हो रहा है, ठीक है ना, जहाँ पर यू नो हेल्थ इश्यूज रेज हो रहे हैं उसको ठीक करने के लिए। और उसके बाद एलिजिबिलिटी दे लेते हैं कि जो एडल्ट वुमेन है, ठीक है, एंड
वो बिलो पॉवर्टी लाइन कैटेगरी में हो, ठीक है ना। तो वो अडल्ट वुमेन जो बिलो पॉवर्टी लाइन के कैटेगरी में आती है, श्रेणी में आती है, तो उसको ये एलिजिबल माना जाएगा। तो अब अच्छा, ये बीपीएल कैटेगरी किसके द्वारा आइडेंटिफाई किया गया? सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, जो SEC सेंसस हुई थी, ठीक है, उस पर आधारित जो भी अडल्ट वुमेन जो बीपीएल कैटेगरी में फॉल करती हैं उनको ये सॉरी उनको ये उपधि प्राप्त होगी। तो उसके बाद की ऑब्जेक्टिव्स के देख लेते हैं कि इट वुड, यू नो, ऑब्वियसली बात है, एम्पावर वुमेन, ठीक है, उनकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करेगा, उसमें जो सीरियस हेल्थ हजार्ड्स हैं वो ठीक होंगे इनसे, क्योंकि एक्चुअली क्या कि जो अस्थमा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आ रही हैं चूल्हा यूज़ करते करते, तो वो अब कम होंगी। उसके बाद अब जैसे प्रॉब्लम्स कम होंगी, इससे क्या है कि नंबर ऑफ डेथ्स डिक्रीज होंगी, नंबर ऑफ डेथ्स डिक्रीज होंगी, तो इससे जो हेल्थ बर्डन है जो इंडिया पर है वो कम होगा, ठीक है। उसके बाद, यू नो, इवन प्रिवेंटिंग यंग चिल्ड्रन जो है ये काफ़ी ज़्यादा, यू नो, एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस से फेस इस प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, तो ये काफ़ी हद तक उसको ठीक करेगा। तो एक्चुअली वाई LPG, ठीक है ना, LPG क्यों, चूल्हा क्यों नहीं? तो यू नो, इवन वुमेन एंड गर्ल्स आर एक्सपोज सीवियर हाउस होल्ड एयर पॉल्यूशन, ठीक है ना। तो ये HAP, हाउस होल्ड एयर पॉल्यूशन, जो चूल्हा के द्वारा जनरेट किया गया पॉल्यूशन है, इससे प्रभावित हैं, इससे, यू नो, ये फेस प्रॉब्लम फेस कर पा रहे हैं। तो इट इज़ बिकॉज जो सॉलिड फ्यूल्स हैं सच एज बायोमास, डंग केक्स एंड कोल, ये ज़्यादा यूज़ करते करते रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इवन कि अगर हम बात करें HAP, हाउस होल्ड एयर पॉल्यूशन की, तो ये सेकेंड लीडिंग रिस्क फैक्टर बन रहा है जो इंडिया डिजीज बर्डन, इंडिया में जो डिजीज बर्डन की अगर फैक्टर की बात करें तो ये सेकेंड लीडिंग रिस्क फैक्टर बनता है। तो इसको ठीक करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लाई गई थी। तो यू नो, और कुछ है इसमें, एंटी तंबाकू स्टाइल कैंपेन भी सामने मिलाया जाएगा। तो यू नो, रिड्यूसिंग LPG, कुछ ऐसे मेजर्स जो सरकार के द्वारा आएंगे कि LPG प्राइसेस को कम करेंगे। तो इसमें एक बार फिर से बता देता हूँ कि जो बिलो पावर्टी लाइन कैटेगरी में जो अडल्ट वुमेन है उनको ये दिया जाएगा, ठीक है ना। तो LPG कनेक्शन के साथ साथ 1600 रुपये जो फाइनल असिस्टेंस है वो भी दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद मेन रीज़न यही है कि जो वुमेन है जो हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हैं उनको ठीक किया जाए, ठीक है ना। तो जो हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन है, HAP है, उसको कम किया जाए क्योंकि वो सेकेंड लीडिंग रिस्क फैक्टर बन चुका है, ठीक है ना। तो और मेजर्स लेके आ रहे हैं, जैसे कि, यू नो, LPG रेट कम करेंगे, तो एंटी टोबैको स्टाइल कंपेन चलाएंगे। तो ये कुछ मेजर्स हैं जो सरकार लेके आएगी आने आने वाले दिनों में। तो ये था हमारा आज का सारा इशू। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हर रोज़ वीडियो पढ़ सकें। डेली वीडियोस डाली जाएंगी इस पर, ताकि आपके एंड ऑफ द मंथ 31 मई जब आएगा तो आपके अराउंड 1000 to 1100 करंट अफेयर्स कवर हो जाए। थैंक यू सो मच।